Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Dr. Mohammed Hassan Faroqui and I'm a professor in Government Nizamia Tibbi College. Right now, we are going to show you the practical aspect of the Hijama, that is the cupping therapy. Alhamdulillah, cupping therapy is very famous and right now, throughout the world, the people are coming towards cupping therapy. So we should know the basics how to do the cupping. It's a very, very simple process, no doubt about it. But unless and until you learn all these things practically, you must not do it. तो मैं आज हिजामा के या हजामा जो whatever it may be, उसके बारे में मैं आपको आज practically demonstrate करने जा रहा हूँ. एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि मतलब कि basic हिजामा के बारे में जानना ज़रूरी है कि हिजामा दो किस्म का होता है. हिजामा बिलाशुद, हिजामा माउशुद. हिजामा बिलाशुद के माने ड्राई कपिंग, हिजामा माउशुद के माने वेट कपिंग. और जितने अहादीस के अंदर जितनी भी बातें आई हैं वो हिजामा माउथ शूट के बारे में आई कि मतलब कि वेट कपिंग. वेट कपिंग के माने क्या है? ब्लड लेट आउट करना. और दैट्स द ब्यूटी ऑफ द हिजामा कि अनलेस एंड यू डोंट लेट आउट द ब्लड, द डिजायर्ड रिजल्ट्स विल नॉट बी देयर. हिजामा बहुत सी चीज़ों में फ़ायदेमंद है. मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट करता हुआ आगे बढ़ता हूँ. अब सबसे पहली चीज़ हमें लोकेट करना चाहिए कि वेर यू आर डूइंग हिजामा. दिस इज द नॉर्मल सलाइन. आप नॉर्मल सलाइन से आपके पेशेंट के यहाँ पर हिजामा करने का है, उस पॉइंट पे आपने नॉर्मल सलाइन से ले लिया. और दूसरी चीज़ क्या है कि थोड़ा सा कॉटन से उसको, उस मुकाम को थोड़ा सा रब कर लें. रब करने के बाद इतनी देर रब करें कि थोड़ा सा हाइपरीमिया आ जाए. हाइपरीमिया के माने क्या है कि वहाँ पर थोड़ा सा वैस्कुलरिटी बढ़ जाए. और अब जिस पॉइंट पर आपको रब करना है उस पर अच्छे से ड्राई कॉटन से आपने अच्छे रब किया ताकि वहाँ पर रेडनेस आ जाए. और ये गन है और इस गन पे आपको जो भी रिक्वायर्ड आपको कप लगानी है, ये कप आपने सेलेक्ट किया. लगाने से पहले थोड़ा सा इस नॉब को थोड़ा सा टच कर लें, रिलीज़ कर लें. उसके बाद अच्छे तरीके से नॉब को इस पे लगा दें. और यहाँ पर जिस जगह पे आपको लगाने का है उस जगह से इस टाइप का. अगर आपको गन कप नहीं लग रहा है तो आपको थोड़ा सा चेक करना चाहिए कि कप क्यों नहीं लग रहा है. और अगर ऐसे कप्स अगर अवेलेबल मतलब कि थोड़ा सा प्रॉब्लम देते हैं बाद मरतबा, तो मैं आई एम नाउ राइट नाउ अप्लाइंग दिस सेकंड कप. ये लग गया है, आसानी से लग गया है. कप के अंदर जो नॉब है, ये नॉब है और ये जो अंदर का जो लाइट ब्लू कलर का जो पीस है उसको मैग्नेटिक पार्ट कहते हैं. अब थोड़ी देर में आपको एक चीज़ महसूस हो जाएगी कि यहाँ की जो स्किन का जो कलर है, अंदर की स्किन का जो कलर है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा. अंदर की स्किन थोड़ी सी हाइपरीमिक होगी. और इसको कम से कम हमें 10-12 मिनट रखना है. कम से कम 10-12 मिनट रखना है. मैं थोड़ा सा पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ कि एक चीज़ यह है कि मतलब कि हिजामा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, इसलिए सोफिस्टिकेटेड तरीके से, साफ सुथरे तरीके से, हाइजीनिक तरीके से हिजामा किया गया. और हिजामा से अल्हम्दुलिल्लाह आप यकीन नहीं करेंगे कि मुख्तलिफ अमराज में अहादीस की किताबों में आया कि हिजामा 70 बीमारियों से अल्हम्दुलिल्लाह शिफा है इसके अंदर. और इसलिए आपको बहुत अच्छी तरीके से इसको हिजामा करना चाहिए. दूसरी चीज़ ये कि ये जो दो शाने हैं, दो शानों के बीच में ये जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इसे सुन्ना पॉइंट भी कहते हैं और पॉइंट नंबर 1 भी कहा जाता है. और इसके नीचे एक जो पॉइंट है उसे पॉइंट नंबर 55 भी कहा जाता है. हर बीमारी में, चाहे वो पैर का दर्द हो, कमर का दर्द हो, चाहे साइकेट्रिक प्रॉब्लम हो, डिप्रेशन हो, चाहे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो, लंबा स्पॉन्डिलोसिस हो, आपको इन दो पॉइंट पे हिजामा करना ज़रूरी है. और एक चीज़ ये है कि मतलब कि आप जब महसूस करेंगे, देख लेंगे जब आपने कप लगाया तो एक मरतबा चेक कर लेंगे मतलब कि ये कप बराबर लगा या नहीं लगा. उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली आप महसूस हो जाएंगे कप है. अब जो बॉडी के ऊपर जो हमने हिजामा लगाया है उसके अंदर की जो स्किन है थोड़ी सी रेडिश हो जाती है, थोड़ी सी ब्राउनिश हो जाती है और थोड़ी सी ब्लैकिश भी हो जाती है. इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि कितना आपको पेशेंट को टॉक्सिसिटी मौजूद है. और मैंने ऐसे कई पेशेंट देखे हैं मतलब कि सिर्फ 2 या 3 मिनट के अंदर स्किन की पूरी ब्लैकिश हो जाती है. और इट इटसेल्फ इंडिकेट द मार्क और द इनसाइड द कप इटसेल्फ इंडिकेट कि कितनी टॉक्सिसिटी मौजूद है. तो मैं अभी आपको इमीडिएटली उसके बाद अपने को जो काम करनी है वो एक चीज़ देख लें मतलब कि अब जब तक अपन एक सर्जिकल ब्लेड है या हैंडल है. मैंने इससे पहले कहा था कि हैंडल नंबर 3 है और ये सर्जिकल ब्लेड नंबर 15 है. सर्जिकल ब्लेड नंबर 15 है. अब इस सर्जिकल ब्लेड को हमने निकालना है, ऐसे निकालना है और इसमें से आपको ब्लेड निकलेगी. और इसमें से आपको क्या करने का है, ये ब्लेड को आपने अलग से निकाल देना है. और यहाँ से जिस तरीके से कट मौजूद है
उस तरीके से यहाँ पर भी कट मौजूद है और उस तरह से सलीके से आपको कट के हिसाब से एडजस्टमेंट करके ऐसे लगा देने का है। तो ये ब्लेड लग गई है, ये ब्लेड नंबर 15 है और ये हैंडल नंबर 3 है। अब मैं ब्लेड इसलिए 15 इसलिए मैं यूज़ करता हूँ कि थोड़ी सी ब्लंट होती है, ब्लंट के माने के अंदर इतनी शार्पनेस नहीं होती, पेशेंट को तकलीफ नहीं होती। ब्लेड पकड़ने का जो टेक्निक है, स्टाइल है, इट शुड बी लाइक दिस। आपकी जो मिडिल फिंगर है वो ब्लेड के नीचे हो, सपोर्ट करें, और ये जो इंडेक्स फिंगर है ये ऊपर आए। ये मिडिल फिंगर ब्लेड को सपोर्ट करना चाहिए और इंडेक्स फिंगर जो है ना ब्लेड के हैंडल के ऊपर आना चाहिए। जब आप स्ट्रोक लेंगे तो इट शुड बी लाइक दिस, ऐसे स्ट्रोक लेंगे। अभी मैं थोड़ी देर में स्ट्रोक लेकर बताता हूँ। अभी हमें अब जो करनी चीज़ें ये मतलब कि ये इसको नॉब को उठाएं ऐसे। अब इस उठाने के बाद ये ऑटोमेटिकली ये कप निकल गया। अब इसके अंदर की जो स्किन के जो चेंजेस हैं वो आपको ये चीज़ें, अब ये ब्लेड आप मैं ऐसा रख रहा हूँ, स्किन ये जो मेरी लिटिल फिंगर है ये मेरी बॉडी के ऊपर रहेगी, यहाँ पर रहेगी और ये ऐसे रहेगा। ये छोटे छोटे इंसिशंस लेना है मुझे, ज़्यादा डीप नहीं लेने का है, बहुत ही सुपरफिशियल लेने के हैं। अब मैंने इंसिशंस लिए लेकिन आपको महसूस नहीं होना कि अब उसी मुकाम पर जहाँ ने मैंने कप्स लगाए थे उसी मुकाम पर कप रखते हैं और ये स्टार्ट करेगा। अब देखिए जहाँ से मैंने इंसिशन लिया वहाँ से ब्लड आहिस्ता आहिस्ता लेट आउट हो रहा है और अब द पेशेंट एज इज जस्ट 22 ईयर्स ओल्ड, इसलिए ब्लड तेज़ी से आएगा और अब ये देखिए कि कितने आसानी से आप बहुत ही तेज़ी से इसको ब्लड फिलिंग मतलब कि कप के अंदर ब्लड फिलिंग हो जाएगी। एंड दिस द ब्यूटी ऑफ द हिजामा अल्हम्दुलिल्लाह कि पेशेंट को तकलीफ नहीं होती और पेशेंट बगैर किसी पेन के, क्यों इसलिए तकलीफ नहीं होती कि ये जो डर्माटोम होते हैं हमारी स्किन के जो डर्माटोम होते हैं ये कप के प्रेशर के अंदर ये टेम्पररली एनेस्थेटाइज हो जाता है और एनेस्थेटाइज होने की वजह से वहाँ पर टेम्पररी एनेस्थीसिया डेवलप हो जाता है और जिसकी वजह से आप जब भी आप इंसिशन लेते हैं तो पेशेंट ऐसे महसूस करता है कि इनकी इसकी स्किन को टच किया जा रहा है, जैसे कोई चीज़ हम लिखते हैं कागज़ के ऊपर उस तरीके से महसूस करता है। और उसके बाद आप पेशेंट को 10-12 मिनट्स आप कप को रिटेन करें और रिटेन करने के बाद इस पर जो चीज़ें हैं ये जो कॉटन है इस तरीके से कॉटन बना लिया जाए। इन केस अगर आप कॉटन इस्तेमाल नहीं करते हैं तो टिश्यू पेपर भी इस्तेमाल करते हैं कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक हीमोस्टैटिक पाउडर है, ये हीमोस्टैटिक पाउडर है, बहुत आसानी से आपको हीमोस्टैटिक पाउडर आप खुद बना ले सकते हैं, हर्बल हीमोस्टैटिक पाउडर बना ले सकते हैं। और इसको हिजामा करने के बाद जिस जगह हिजामा किया गया है वहाँ पर थोड़ा सा पानी से नॉर्मल सलाइन से साफ कर लें और हीमोस्टैटिक पाउडर लगा लें। एज ए पेशेंट जो कि मतलब कि क्लोपिड्रोजरल या इकोस्पिरिन टाइप के जो ब्लड थिनिंग एलिमेंट्स हैं मेडिसिन हैं इस्तेमाल करते हैं, ऐसे पेशेंट को भी हिजामा किया जा सकता है लेकिन 1-2 दिन पहले अगर हम उससे ये मेडिसिन को स्टॉप कर दें तो बेहतर रहेगा। और बाज़ लोगों को जो मतलब ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होते हैं तो उनसे पहले पेशेंट को इंसिशन लेने से पहले मालूम कर लें। ऐसी जगह पे बाज़ जगह मतलब कि वेट कपिंग करना मुनासिब नहीं है, वो है कि HIV है, HBsAg है और बाज़ जगह के ट्रॉमा है कि वहाँ कहीं मार लगा हुआ है, ऊन है, एब्सेसेस हैं, ऐसे केसेस में बाज़ जगह ऐसा सोरियसिस के बाज़ केसेस आते हैं कि मतलब कि पूरी होल बॉडी के ऊपर लोगों को इरिटेशन मार्क्स होते हैं। तो इसीलिए ऐसे केसेस पे मैं इंसिशन ना ले बल्कि हिजामा बिला शुर्त यानी ड्राई कपिंग की जाए। और मैं उसका वो है कि मतलब कि हिजामा के जो टाइप्स हैं तो और एक और टाइप में है कि हिजामा जैसे ड्राई कपिंग और वेट कपिंग होता है इस हिजामा मतलब कि बिलानार और हिजामा माउन नार होता है। हिजामा बिलानार के माने के बगैर आग के और हिजामा नार के माने क्या है नारी के माने क्या है कि आग के। पहले के ज़माने में ऐसे कप्स नहीं रहा करते थे तो इसलिए क्या करते थे ग्लास के कप इस्तेमाल करते थे तो उसको आग लगाई बताई जाती थी उसके बाद कप्स लगाए जाते थे। तो उससे भी हम हिजामा कर सकते हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट टाइम मैं कभी भी आपको फायर कपिंग कर बताऊँगा कि इट्स वेरी वेरी सिंपल। और जिस तरीके से हम ये कप लेते हैं तो ये इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक कप की जगह पर ग्लास कप लेते हैं जो कि कम्प्लीटली होता है, इसमें नॉब नहीं होता। उस ग्लास कप में के अंदर इस कॉटन होता है तो कॉटन को ऐसे बॉल बना देते हैं, बॉल बना के ग्लास कप में डाल देते हैं, उसके अंदर ये जो बॉल होता है तो ये इस पर स्प्रिट में सोक करके डालते हैं
और डाल के उसके बाद फायर लगाते हैं, फायर लगा के काड़ी अंदर डाल देते हैं, तो ये थोड़ा सा जलना शुरू हो जाता है, लगाते एक दिन बॉडी के ऊपर ऐसा लगा दे तो ये चिपक जाएगा। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम जब भी आपको फायर कपिंग कर कर बताऊंगा इंशाल्लाह। और दैट इज़ वेरी सिंपल, मतलब कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मतलब कि हाइजीनिक तरीके से हो, साफ सुथरा हो, और जब इंसिशन ले लिया जाता है तो मतलब कि पेशेंट को कॉन्फिडेंस में लेके पेशेंट के इजाज़ के साथ। नाउ दि क्वेश्चन में अराइज के मतलब कि हिजामे के कॉम्प्लिकेशन क्या है। हिजामे के कॉम्प्लिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बाद मरतबा बस पेशेंट को खून की बो से गिडीनेस आती है, तो ऐसे पेशेंट्स को जब गिडीनेस आए तो इमीडिएटली कप निकाल दें और पेशेंट को लिटा दें और दोनों के दोनों पैर को रेस कर दें, तो उसकी वजह से गिडीनेस चली जाएगी। और पास पड़ता हुआ पेशेंट को स्वेटिंग होती है तो ऐसे पेशेंट को भी इमीडिएटली कप्स निकाल दें, उनको साफ कर दें, साफ करने के बाद लिटा दें, लिटाने के बाद थोड़ी देर के बाद उनको पोमग्रेनेट जूस दिया जाए। हिजामा के बाद यूजुअली एक सुन्नत भी है कि मतलब कि अनार का जूस देना सुन्नत है, तो अनार के जूस भी दिए जाए तो बेहतर है, क्योंकि एक चीज़ ये है कि मतलब कि हम सुन्नतों के ऊपर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह ताला से उम्मीद है कि ऐसे क्रॉनिक अमराज जो कि टोटली लाइलाज तसव्वुर किए जाते हैं निजामा के जरिए, अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव डन मोर देन 4 लाख केसेस अल्हम्दुलिल्लाह, एंड उसके अंदर किसी एक मरीज ने भी मतलब कहते हज़ारों लाखों केसेस के अंदर भी उसने ये नहीं कहा कि मतलब कि हिजामा करने के बाद डिसीज़ बढ़ी या हिजामा करने के बाद उसको फ़ायदा नहीं हुआ। तो हिजामा इज सच ए थिंग, मतलब कि सच ए ब्यूटीफुल थिंग कि अल्हम्दुलिल्लाह 1400 सालों के बाद अल्लाह ताला ने इसे हमारे हम जैसे लोगों के ऊपर एक रहम फरमाया कि मतलब कि एक ऐसा इलाज फिर से जारी हो गया जिसकी वजह से इंशाल्लाह लोगों को फ़ायदा हो सकता है। मैं आपको आसानी से कैसे निकाला जा सकता है मैं टेक्निक बताता हूँ, और ये किडनी ट्रे है, किडनी ट्रे आप इस्तेमाल कर लें और पेशेंट को आप ये कप है, कप के नीचे से ऐसे ऐसे कॉटन लगा दें, कप के नॉब को ऐसे उठाएं, उसके बाद ज़्यादातर ब्लड जो कि क्लॉटेड ब्लड होता है, चिकना ब्लड होता है, क्लॉटेड हो जाता है, वो आप आसानी से आप कप के अंदर ले सकते हैं। उसके बाद इसको क्या कीजिए कि ऐसे ऐसे उसको माप आउट कीजिए, और माप आउट करने के बाद ऐसे ऐसे कीजिए। अब आप देख सकते हैं मतलब कि देर इज़ नो ब्लीडिंग पॉइंट ओवर हियर, एक भी ब्लीडिंग पॉइंट नहीं मिलेगा आपको। मैंने इससे पहले कहा था कि ये जो नॉर्मल सलाइन है ये नमक का पानी रहता है इसके अंदर, और आपको सिर्फ क्या करना है इसके अंदर कि सुहागा बिरिया और बोरेक्स यानी सुहागा बिरिया और ये आप इसमें डाल सकते हैं, इसके अंदर बोरिक एसिड भी डाल सकते हैं, और तो इससे क्या होगा कि मतलब कि ये हीमोस्टैटिक काम करेगा, और उसके साथ ही आप इमीडिएटली आप देख सकते हैं कि देर इज़ नो ब्लीडिंग पॉइंट एट ऑल, कहीं से भी ब्लीडिंग पॉइंट नहीं है, इवन हमने जो इंसिशन लिया है वो भी नज़र नहीं आ रहा। अब आपने हीमोस्टैटिक पाउडर लगा दिया अल्हम्दुलिल्लाह, और पेशेंट को बगैर किसी ड्रेसिंग के पेशेंट को आप भिजा सकते हैं, और ये जो कप के अंदर जो ब्लड है उसको आप फेंक दें और साफ कर दें और कप को डिस्कार्ड कर दें। विद दिस अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव कंक्लूडेड टुडेज प्रोग्राम, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम आपको फायर कपिंग कैसे करनी है इंशाल्लाह आपको डेमोंस्ट्रेट करके बताएंगे, एंड होप आप लोगों ने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा नंबर आप नोट डाउन कर सकते हैं 9849139136। मैं टोली चौकी यानी हैदराबाद में रहता हूँ तेलंगाना में, और मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह सारे हिंदुस्तान भर से स्टूडेंट्स आते हैं जो कि हिजामा सीख कर जाते हैं, और आप लोग भी इंशाल्लाह यू आर मोस्ट वेलकम टू कम ओवर हियर, और यहाँ पर आप आकर सीख सकते हैं। जज़ाकअल्लाह खैर, शुक्रिया।